पहली बार बहरीन आया है और मैंने सोचा भी नहीं था कि बहरीन जाने पर हमारे भारत के रहने वाले बहरीन के भाइयों बहनों भाइयों के द्वारा इतनी गर्मजोशी दिखाई जाए। और जब मेरा कार्यक्रम तय हो रहा था उसी समय मैंने कहा था बहरीन पहुंचने के बाद मेरा पहला कोई कार्यक्रम होगा तो अपने इंडियन बहनों भाइयों के साथ करूंगा। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं बहरीन में रहकर भारत इतनी दूर से आकर आप लोगों ने अपनी पहचान यहां पर बनाई है और बहरीन वासियों की मोहब्बत और प्यार को हासिल करने में आपने कामयाबी हासिल की। बहरीन और भारत के रिश्ते 100-200 वर्षों के नहीं है बल्कि बहरीन और भारत के रिश्ते हजार वर्षों से भी अधिक हैं। लेकिन बहरीन इतना डेवलप्ड होगा जो मैंने दृश्य देखा है। मैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में गया हूं लेकिन सचमुच बहरीन में किसी गल्फ कंट्री में जो ऐसा मैंने दृश्य देखा है बहरीन में आकर मुझे बेहद खुशी हुई। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब भारत के नागरिक और जिस बहरीन ने हमारे साथ अपनी दोस्ती निभाई है आगे भी इस बहरीन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी दोस्ती का निर्वाह करते रहें यह मैं आपसे अपील करूंगा। बहरीन ने कोई छोटा काम नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों हम लोगों का करैक्टर है चरित्र है जो हमारे साथ करता है जितना करता है हम उसका 2 गुना 4 गुना उसके साथ निभाते हैं यह हमारा चरित्र है और इस चरित्र का हमको गर्व है। और हम बहरीन के साथ करेंगे बहरीन के साथ हम करेंगे इंडियन ब्रदर्स सिस्टर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी चर्चा जिस भारत के आप लोग रहने वाले हैं यकीन रखिएगा 2 साल पहले 2.5 साल पहले पॉलिटिकल सिनेरियो भारत में बदल है। हेल्दी डेमोक्रेसी होगी वही बनी मेजोरिटी हाथ हासिल हुई है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल स्वाभाविक है जनता की एक्सपेक्टेशंस भी होंगी अपेक्षाएं भी उस गवर्नमेंट ने जो कुछ भी हम लोगों ने किया है हम आपकी हिंदुस्तान पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भारत का रहने वाला कोई नागरिक दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना वो गर्व के साथ कह सके यस आई एम एन इंडियन या गर्व के साथ कह सके। वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहेंगे क्या करिश्मा आप लोगों ने कर दिया भारत में कि हम ये कह सकें एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ कहें यस आई एम एन इंडियन किया है। आज मैं कह सकता हूं दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो आपके कंट्री भारत की है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कंट्री की है तो आपके देश भारत की है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जीडीपी की ग्रोथ रेट दुनिया में इस समय सबसे अधिक किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। मैं रिटेल करप्शन की बात नहीं कर रहा। किसी ने भी कभी एक छोटी सी भी न्यूज नहीं दी होगी कि गवर्नमेंट में किसी प्रकार का करप्शन है तो किसी मिनिस्टर के ऊपर करप्शन की कोई जांच है। आज तक भाई वर्षों के अंदर कोई करप्शन कहने के लिए किसी एमएलए या एमपी को आपसे जैसे काफी सी सलाह और गवर्नमेंट के
तो आपको जानकारी मिलती होगी, लेकिन कद बढ़ा है भारत, अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है।